है, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें उठ के आना पड़ेगा। क्या है? तो देखो थोड़ा सा इधर से पिच हो गया, पिच। तुम्हारे अजय उसके मेरे को अपने पास सॉरी है, बोलना है क्योंकि चलो सॉरी अब मैं चलो। गुस्सा कर रहा था लेकिन नहीं अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस करिए ताकि सारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको अपकमिंग वीडियोस के मिलते रहें। हे गाइस, ये व्लॉग आपको काफ़ी लेट मिलेगा बिकॉज हमारा ट्रैवल व्लॉग जो था मेरे भाई की शादी में वापस आने के बाद सारे सीरीज व्लॉग थे और क्वारंटाइन के टाइम में ही मेरा बर्थडे था एंड आफ्टर दैट क्रिसमस और न्यू ईयर आ गया, दैट्स वाई ये व्लॉग काफ़ी लेट है। टुडे इज 8th of December और सुबह से मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। आप बाहर बालकनी से देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर, सामने कोई भी पहाड़ कोई भी माउंटेन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी तेज़ बारिश है और यहाँ से ज़्यादा बारिश सामने पहाड़ों में हो रही है। वो देखो सामने सारे पहाड़ हैं और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इस समय, और यहाँ पर मौसम अचानक से ठंडा हो गया है। बेसिकली साउथ में इस टाइम पे इतना ठंडा मौसम नहीं होता है बट इस बार ठंडा है। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि अनपैकिंग भी करनी थी और मौसम यहाँ पे एकदम से बहुत चेंज हो गया है। जब हम गए थे तो गर्मियाँ हो रही थी, अभी जब से वापस आए बारिश हो रही है और ठंडा है मौसम बहुत। तो अभी आज मैं कुछ कपड़े तो मैंने निकाल दिए थे और पीछे ना डॉली के पीछे रखे हुए दुल्हे के, आज मैं मशीन लगाने जा रही हूँ। मेरा पूरा टाइम बस इन सब चीज़ों में निकलने वाला है। घर साफ कर लिया है, झाड़ू वाड़ू लगा दी है। कपड़े हम काफ़ी ले गए थे क्योंकि विंटर्स भी थे तो स्वेटर्स वगैरह भी रखने थे और शादी वगैरह में जा रहे हैं। एक्चुअली मैं पता भी नहीं था कि कौन से फंक्शन कब हैं, क्या अटेंड कर पाएंगे क्या नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो सेफर साइड थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़े रख कर गए थे। जिनको अभी जो नहीं यूज़ हुए हैं उनको हम निकाल रहे हैं। सारे कपड़े हैं जो हमने यूज़ किए हैं बट वो मशीन वॉश नहीं है, उनको हम या तो मैं इजी में वॉश करूँगी या ड्राई क्लीन के लिए दूंगी। कुछ यूज़ नहीं हुए हैं वो कपड़े साइड निकाल के रख रही हूँ और सारे वॉश वाले कपड़े निकाल रही हूँ अलग से जिनको मुझे वॉश करना है। तो बस आज का दिन ऐसे ही निकलने वाला है। ये देखो ये सारे कपड़े, इसे मैंने धूप दिखा दिया था, इस ड्रेस को, इस मेरे जैकेट को, जर्सी को, और ये सब कपड़े तो यूज़ नहीं हुए हैं। किचन ये कुर्ता वगैरह भी नहीं पहना है। आई थिंक इसमें धुलने वाले कपड़े नहीं है, आई गेस इस साइड में नहीं, इसमें भी धुलने वाले कपड़े नहीं है। फ्रेश आई थिंक इस वाले सूट केस में सारे। अब जैसे ये सूट्स देखो, ये सूट्स ऐसे हैं ना कि इनको मैं मशीन में नहीं धुलूंगी अदरवाइज ये खराब हो जाएंगे। ये सब इजी में वॉश करूंगी, हैंड वॉश करूंगी। क्रिश का एक पुलोवर है, ये भी ये मशीन में वॉश कर सकती थी बट इजी है नहीं तो उसको मैं बाद में वॉश करूंगी। ये कपड़े में धुल कर रखती क्रिश, हमारे पास धुलने के ज्यादा कपड़े। तो ये देखो गाइस मैंने क्या किया है कि जो साफ कपड़े थे वो एक सूटकेस में डाल दिया, एक ट्रॉली में। इधर मैंने सारे वो कपड़े डाले जो मुझे वॉश करने हैं, जैसे ये सारे कपड़े हैं ये सब वॉश होंगे। ये देखो क्रिश की शर्ट है, ये दुपट्टा है, ये सब कुछ वॉश होना है। साड़ी को मैं ड्राई क्लीन के लिए दूंगी। तो चलो फटाफट लगते हैं और वॉश करते हैं कपड़े। तो गाइस चलो अब मैं वॉशिंग वगैरह करती हूँ, कपड़े वपड़े धुलती हूँ, सारे काम फिनिश करती हूँ। आई थिंक आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि व्लॉग शूट करूँ या कुछ करूँ। जल्दी जल्दी काम फिनिश करना है और हमारी एनिवर्सरी भी आने वाली है, बर्थडे भी आने वाला है तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है। हेलो हाय, एक्चुअली मैं धीरे बोल रहा हूँ। एक्चुअली आज है 8th of December और 9th को है अक्कू का बर्थडे। सो हम होम क्वारंटाइन है तो बाहर नहीं जा सकते, तो उसको पता नहीं था कि हम कुछ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं ऐसे। एक्चुअली वो अंदर है अपना लैपटॉप पर कुछ अपना काम कर रही है और मैं किचन से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने स्विगी से उसका केक ऑर्डर कर दिया था, स्विगी वाले को मैंने बात कर ली है कि वो चुपचाप आए हमारे फ्लोर पे और मुझे मैसेज करे और हमारे डोर के बाहर केक रख के चला जाए और मैं आराम से चुपचाप जाके केक ले लूँगा ताकि उसको कुछ पता ना लगे। ठीक है, तो ये सरप्राइज होगा उसके लिए कि उसको पता नहीं लगे केक भी आ सकता है क्योंकि हम होम क्वारंटाइन है, बाहर जा नहीं सकते।
तो बट मैं ये मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो केक आएगा तो ये उसके लिए भी सरप्राइज होगा कि मैंने केक ऑर्गेनाइज कर दिया है। चलो देखते हैं अभी। हाय, एक्चुअली केक जो है वो आ गया है, वो बाहर डोर पे है। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, अभी देखते हैं केक लेने के लिए। किचन में आ गया हूँ, केक मिल गया है। वो डोर पे छोड़ के चला गया था स्विगी वाले, तो ये मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक ऑर्डर किया है 1/2 kg। तो अभी इसको मैं चुपचाप फ्रिज में रख रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम है उसके बर्थडे में, फिर उसको मैं सरप्राइज दूंगा। चलो देखते हैं उसका सरप्राइज कैसा लगता है। तो अभी ये केक मैं फ्रिज में रख रहा हूँ। मैंने फ्रिज में रख दिया है, अब मैं उसको सरप्राइज दूंगा। हेलो, अरे मैं दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ, अक्कू का बर्थडे आने में कुछ फ्यू सेकंड्स बचे हैं, तो मैं उसको जाके विश करूँगा और हम उसको सरप्राइज दूंगा उसका केक। चलो मिलते हैं, अब मैं इसी कैमरे को घुमाऊंगा, लेके चलता हूँ आपको वहाँ पे। क्या कर रहे हो? काम कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे। अभी 2 मिनट बाकी हैं। नहीं नहीं सबसे पहले मैं ही विश करूंगा। 2 मिनट नहीं, फ्यू सेकंड बचे हैं। 59 हो गए हैं, फ्यू सेकंड से बचे हैं। घड़ी आगे पीछे भी हो सकती है। तुम उल्टे हाथ से विश करोगे? अच्छा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। फोटो आगे करो। फोटो देखिए, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें उठ के आना पड़ेगा। क्या है? आओ आओ। एक्चुअली हम क्वारंटाइन में हैं, मुझे पता है कि हम कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ प्लान नहीं कर सकते, कहीं बाहर ऐसे कुछ डिनर वगैरह नहीं कर सकते, बट जो भी है देखते हैं। आओ 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 किचन में चलो, किचन में चलो, किचन में चलो। फ्रिज ओपन करो, वो देखो ये मैंने बड़ा मुश्किल से सरप्राइजिंगली कुछ अरेंज किया है, होपफुली अच्छा हो। मुझे पता नहीं, स्विगी किया था और उसको बाहर जाके बात किया था साइड में किचन में जाके यहीं से, कि पता ना लगे, और उसको बोल दिया था कि मुझे कॉल मत करना डायरेक्टली, ये डोर है ऐसे चुपचाप जाके रख देना। मैंने सिक्योरिटी को फ़ोन किया कि उसको अंदर आने देना, क्योंकि सिक्योरिटी आने और कहाँ रखूँ, फिर फ्रिज में पिघल ना जाता, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाती। अभी मेन था, मेन देखो, मेन सबसे मेन चीज़ थी हम क्वारंटाइन में कि हमें केक मिल गया, दैट इज द मेन सरप्राइज। कैंडल लगाना वगैरह लगाना अब वो हम कर देंगे, ठीक है? तो चलो टेक केयर, और होपफुली ये अच्छा लगे, बिकॉज वी बोथ आर, कहते हैं ना फूडी, वी बोथ आर केकी एज वेल। केकी मीन्स जो जिनको केक पसंद होता है उनको केक ही बोल देते। कैंडल है तो लेके आओ, नहीं तो मैं तो ऐसी भी काट देता हूँ, कैंडल भी नहीं होती क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, कहाँ से कुछ मंगवा नहीं सकते ना। तो यहाँ पे अब इस केक को काटेंगे, कुछ सिर्फ प्लेट में रखना है। अच्छा इसको मैं इस प्लेट में रख रहा हूँ, बहुत कुछ है नहीं इतना। कैंडल नहीं है, कोई नहीं है बाबा, अगर नहीं है तो कोई नहीं, तो कैसे करते हैं तुम ऐसे ही नॉर्मल उसमें दे हैं। चलो हो गया, बताओ ऐसा कुछ कर रहे हो। कैंडल 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 कैंडल, जस्ट लेट मी चेक ना, है मुझे पता है कैंडल नहीं है। तो ये डेकोर वाले पैकेट में कुछ गिरा, इसमें से कुछ है मुझे कैमरे से देखा, कैमरे में भी नहीं है। चेक होगी कैंडल नहीं है अभी फिलहाल, आओ कम, वी जस्ट
एग्जैक्टली 12 हो गए बाबा, आ जाओ। इसको तुम अपने हाथ से ही खोलना, आ जाओ। नहीं यार ये तो बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल से अरेंज हुआ है ये, मैंने इसमें से कुछ हटाया भी नहीं अभी तक, ऐसे ही लाके चुपचाप रख दिया था, पता नहीं कैसा है। केक है ना, सो दिस इज अ फर्स्ट लुक, जैसे दुल्हन की फर्स्ट लुक होती है, दिस इज अ केक फर्स्ट लुक, ब्लैक फॉरेस्ट। 1, 2, 3, 4, 5 चेरीज है वो, देखो अब मंगवाते हैं तो कुछ ना कुछ होता ही है, और जब मंगवाया था आज बारिश भी काफ़ी हो रही थी, वो बंदा बड़ी मुश्किल से लेके आया, तो देखो थोड़ा सा इधर से पिच हो गया पिच, बट अदरवाइज इट लुक्स गुड यमी। देखो थोड़ा सा इधर इसका पार्ट लग गया है, ऐसा हो गया ये। चलो अभी तुम ये केक काटो, चलो कोई नहीं कोई नहीं, काटो काटो। अब मैं क्लैपिंग कैसे करूँगा बाबा? अच्छा अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, काश हम भी अगर बच्चे होते, नाम होता हमारा ब्लू डब्लू, खाने को मिलते। अच्छा इसको शूट करूंगा, रुक जाओ, पहले बड़ा वाला, बड़ा वाला, बड़ा वाला, पहले ओ बड़ा, ओ बड़ा, ओ बड़ा, ओ बड़ा, ओ बड़ा, ओ बड़ा, अरे नहीं बाबा बड़ा। तुमने मुझे भी लगाया था, मैंने थोड़ा सा लगाया तुम्हारे, अब देख कैसे गुस्सा आता है, लोग लगाते हैं ऐसे। तो मेरे को गुस्सा नहीं है, मैंने आपको लगाया था, आपने इतना बड़ा मुंह बना लिया था, मेरे लगा दिया तो नहीं। हाँ तो तुम तब मुंह तुमने भी तो बनाया, देखो सब किसी को पसंद है। मैं तो छोटा बच्चों के ऐसे से लगा दियो पूरा। चलो अब साफ कर लो, चलो ठीक है अभी अब साफ साफ करते हैं, ठीक है, और फिर हम ये केक है इसको खाते हैं, और खाने के बाद फिर हम आपको अभी नहीं मिलते, कल मिलेंगे, हम खा के अपना थोड़ा म्यूजिक पे डांस करेंगे और सो जाएंगे। तो जब तक के लिए गुड नाइट, और इसका आज हम बर्थडे कैसे बनाएंगे वो भी पता नहीं, सुबह उठ के पता लगेगा, तो हम जा नहीं सकते कुछ स्पेशल, देखते क्या बनाएंगे, क्या ज़्यादा कुछ है नहीं अभी क्या खाने वाने का, तो ठीक है चलो बाय कर दो। वाला बर्थडे मैं थोड़ी थोड़ी गुस्सा थी, और मैं थोड़ा थोड़ा रो भी रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है, और मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर भी है, और मुझे ज़ुकाम भी हो गया है, और अभी कृष्ण मुझे चिढ़ा रहे थे, कह रहे थे मैं दाल रोटी ला रहा हूँ, वही कहा मैं कहा कौन खाता है बर्थडे पे दाल रोटी, तो वो लेकर के आए, और फिर मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब वो प्यार से अपने हाथ से खिला रहे थे ना, तो मैं मेल्ट हो गई, तो मज़ा आया। अब उन्होंने अपने हाथ से मेरे को दाल रोटी खिलाई, और फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर उन्होंने कहा चलो रुको मैं आता हूँ, तो उन्होंने बताया नहीं, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो अभी पता चला कि उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है मेरे लिए, तो वो पिज़्ज़ा लेने गए हुए हैं, और मेरे लिए मेरा फेवरेट पास्ता ऑर्डर किया है, तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते क्योंकि क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, तो उन्होंने स्विगी कराया है, तो वो लेकर के बस आ जाएंगे फटाक से, और फिर हम लोग पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। मेरे लिए पिज्जा मंगाई हो? शूट कर लो, पिज्जा है और तुम्हारा। अच्छा मेरे को सॉरी बोलना है, चलो सॉरी, क्योंकि मैं गुस्सा कर रहा था, लेकिन लेकिन ना सारे सरप्राइज से बेस्ट था, आपने हाथ से खाना खिलाया वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। तो? आपको सरप्राइज सरप्राइज नहीं आता, बट जो आप करते हो अपने आप आउट ऑफ द बॉक्स है। अभी अभी ऐसा है, तुम्हारा फेवरेट पास्ता, क्रीमी पास्ता, क्रीमी मशरूम पास्ता, एंड योर फेवरेट पिज़्ज़ा इज हियर विद मेयोनीज़, लेट्स हैव इट, एंड उसके बाद हम खाते हैं पिज़्ज़ा पार्टी। अभी कुछ स्नैप्स भी क्लिक करते हैं। पिज़्ज़ा इज वेरी गुड, इट्स नॉट फ्रॉम पिज़्ज़ा हट, हमारे यहाँ घर के पास ज़ू का पिज़्ज़ेरिया, वहाँ से मंगाया, इट्स वेरी नाइस। तुम बताओ कैसा है? मैं तो तुम शूट करो, तो मैं बताऊं कैसा है। तुम बताओ कैसा है। बहुत टेस्टी है, इसका डिप भी बहुत टेस्टी है, पास्ता, और इसके साथ पास्ता करो, पूरा ही बॉल तुमने लिया है, ले लिया है, मुझे जरा सा मिला है। चलो एनीवे कैसा है, कैसा है पिज्जा? नॉट अप, पास्ता नॉट अप टू द मार्क, लास्ट टाइम जैसा नहीं, बट अच्छा है, तो एंजॉयिंग इट राइट। चलो एंजॉय करो, फिर हम मिलते हैं।
गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अक्कू लाइफस्टाइल एंड किचन। कैसे हो आप सब? सो टुडे इज 10th ऑफ दिसंबर और आज है हमारी एनिवर्सरी। हम हैं क्वारंटाइन में तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट फिर भी हम दोनों रेडी हो गए। वी ट्राइड कि हम रील बनाए बट नॉट आर कप ऑफ टी नहीं हो पाया हमसे। आगे में भी ट्राई करें। एंड अभी क्योंकि कल मेरा बर्थडे था, कृष्ण बहुत बड़ा सा केक लेकर के आए थे, तो इट्स लाइक कि रोज़ रोज़ केक नहीं खाना है, बहुत हैवी हो रहा था और छोटा सा केक मिला नहीं हमें, तो मैंने दो पेस्ट्रीज मंगाई हैं। और कल जैसा कि क्रिश नहीं ढूंढ पाए थे कैंडल, मैंने इनको बोला था कि शिद्दत से ढूंढो तो कुछ भी मिलता है, तो कैंडल मिल गई। और आज अभी हम जा रहे हैं अपनी केक कटिंग पेस्ट्री कटिंग करने, तो चलो मिलते हैं आप लोगों को। सो ये छोटी सी पेस्ट्री मैंने मंगाई है, दो छोटी छोटी पेस्ट्रीज, एंड ये हम दोनों की फेवरेट है, सर ट्रिपल चॉकलेट मूस विद टॉप लेयर ऑफ चॉकलेट गनाश। और हमें लगा कि नहीं केक नहीं मंगाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कल बहुत सारा केक हम दोनों ने खाकर ख़त्म किया है, तो बस अभी फिलहाल इसी से काम चलाना है। तो मोटू आ जाओ इधर, आ जाओ, तुम्हें तो बुझी नहीं रही, बुझ गई कौन सी वाली है? है वो जो स्पार्कलिंग में गिर जाती है। देखो तुम्हारी फिर से ये तुम मुझे मेरे को बना रहे हो है? ये भी फिर से चलेगी। हाँ ये उसमें गिर रहा है। उसी में तो मैं खिला दे तुम ऊपर क्लियर क्यों करते हो? दिस इज समथिंग आई विल हैव इट जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना। मैं बात होती है, फ्रिज में है ना जगह रखोगे? इतना खा दे बाकी बाद में। आपको पता था हम एक्चुअली उसमें थे, क्वारंटाइन में थे, तो हम बाहर नहीं जा सके, तो इसलिए हमारा क्वारंटाइन खत्म हुआ है, तो हम जा रहे हैं डिनर के लिए प्रॉपर। हमने उस दिन घर पे ही खाना मंगवा के खा लिया था जब हमारी एनिवर्सरी थी, हमारी एनिवर्सरी थी 10 तारीख को, तो हमने उसी दिन कुछ घर पे मंगवा के खा लिया था क्योंकि स्विगी वाले बाहर छोड़ जाते हैं। तो अब क्वारंटाइन हमारा खत्म हो गया है, तो हम एक प्रॉपर सिटिंग डिनर के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा शूट करेंगे क्या क्या डिनर है, हमारे घर के पास ही है, और फिर आपको वहाँ पे दिखाएंगे हमने क्या ऑर्डर किया है, क्या चीज़ है, ठीक है ना? चल हाय। तो अभी हम डिनर के लिए जा रहे हैं, अभी हम बाहर निकल सकते हैं तो जा रहे हैं, और हमारे घर के पास ही है, सो वी विल टेक अवर राइड एंड वी विल जस्ट गो एंड हैव डिनर। वहाँ पे थोड़ा सा हम क्लिप बनाएंगे, तो आपको दिखाते हैं हमने क्या ऑर्डर किया, क्या खाया। हाँ तो अभी हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं, और रेस्टोरेंट पीछे एक्चुअली इस पूरे एरिया की लाइट गई हुई है, तो वहाँ पे लाइट नहीं है, देयर्स फ्यू कैंडल्स एंड स्टफ, देखते हैं क्या है। वैसे में कैंडल लाइट ही करना था, तो वी विल सी कि वहाँ क्या होता है।
तो ये दिस इज योर एनिवर्सरी लुक। हाँ तो अभी तुम खाने आए हो, क्वारंटाइन के बाद एनिवर्सरी निकल गई है, लेकिन हम खाने आए हैं, कोई नहीं, चलो अभी खाते हैं। अब चलो अपना हैंड वॉश कर लो पहले जाके। हाँ, मैं जाती हूँ। तो सूप पी रही थी, मंचाओ सूप, कैसा है? अरे अभी तो पिया ही नहीं है, मुझे पियो पियो, बहुत गर्म है। हाँ कैसा है? अच्छा, मुझे पसंद है। क्या बोल रहे थे? तो मैं नहीं आऊंगा। कैसे नहीं आओगे? बस मोटे एंजॉय कर रहे हो, सूप अच्छा लगा? मुझे तो पसंद ही है मुंजाओ। सो गाइस, दिस इज हनी चिली पोटैटो, जो हमने ऑर्डर नहीं किया था, हम लोग बात ही कर रहे थे ऑर्डर करने के लिए। तो ये जो भैया है यहाँ पर, सुनील भैया, उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट भी दिया है मेरे को, और इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी है, मज़ा आ गया। क्रिश, तुम्हें कैसा लग रहा बताओ? कुछ तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। कैसा? तो ये आ गया है खाना, दिस इज़ पनीर लबाबदार, जो थोड़ा क्रीमी टेक्सचर के साथ बनवाया आज क्रिश ने, थोड़ा अलग। और ये दिस इज़ केरला पराठा, और ये कृष्ण खाने में है बिजी। कृष्ण, तुमने और भी कुछ ऑर्डर किया ना? दाल और राइस ना? चलो वो भी आता होगा। और ये आ गई दाल तड़का। ये देखिए, सब पूरा हम खाना खा रहे हैं, दाल सैलेड है, ये फ्राइड राइस है, सेज़वान फ्राइड राइस विद बॉन गार्लिक। तो ये देखिए, अब ये कैसा तुम्हें लग रहा है? इतनी बार रिपीट हो गई, बहुत बढ़िया खाना बना हुआ है आज, तो वो बहुत ही अच्छा। चलो अब हम एंजॉय करते हैं। यानी चाहिए पोटैटो का अलावा। हाय, तो अभी हम डिनर करके आ गए हैं। तो एक्चुअली डिनर काफ़ी हैवी था, क्योंकि उन्होंने शेफ़ जो है सुनील शेफ़, एक्चुअली वो अच्छे जानते हैं, मैं नेपाल से हैं, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमें स्वीट चिली पोटैटो दिए थे, तो वो हनी चिली पोटैटो और सूप भी पिया था मैं, वो भी हैवी था। तो काफ़ी कुछ हैवी हो गया। एक्चुअली मैं इतना जल्दी खाने की आदत नहीं, बहुत जल्दी खा लेते हैं, तो ये बचा हुआ था सारा। एक्चुअली थोड़ा बहुत बचा तो कोई बात नहीं, बट काफ़ी बचा हुआ था, तो फूड वेस्ट नहीं होना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तो हम उसको पैक करा के ले आए, इनकेस भूख लगेगी तो हम ना तो खा लेंगे, नहीं तो ये फ्रिज में रहेगा मॉर्निंग के लिए। सो ये हमारा हो गया, यहीं पर फिनिश करते हैं। तो सेलिब्रेशन आपको पसंद आई होगी, और हाँ, हम हमेशा एनिवर्सरी ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर हमने एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, उसके ग्लिम्स हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना? तो उसकी ग्लिम्स, या तो आप इस नहीं, उसका एक सेपरेट ब्लॉग बनाते हैं, हम बात कर लेते हैं, ठीक है? अभी हमारी लिफ्ट बुला ली है, लिफ्ट आ रही है, तो जब तक हम आपसे बात करते हैं, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए और अच्छा खाइए, ठीक है? और टेंशन ना लीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये कोविड वोड चल रहा है, टेंशन लोगों के दिमाग पे तो ज़्यादा असर करती है। तो जस्ट टेंशन फ्री रहो, फिट रहो, खुश रहो, और चलो फिर हम चलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय बाय। होप यू ऑल लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन प्रेस करिए हमारे नए मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।